बरतानवी फौज ने व्हाइट हाउस को आग क्यों लगाई व्हाइट हाउस पर हमला कब और क्यों किया गया कीमती सामान की लूटमार अमेरिकी सदर की का व्हाइट हाउस का संगे बुनियाद सत्रह में रखा गया था दुनिया भर से फनी तमीर के माहरीन से इमारत के डिजाइन के लिए तजावीज तलब की गई थी और फिर आयरलैंड के माहिर तमीरत जेम्स होपिन का डिजाइन मंजूर किया गया व्हाइट हाउस का तामीराती काम आठ साल में मुकम्मल हुआ और सन अठारह सौ में उस वक्त के अमरीकी सदर जॉन एडम्स और उनकी एहलिया इसके पहले मकिन बने लेकिन क्या आप जानते हैं की पहले सदर के व्हाइट हाउस में रिहायश अख्तियार करने के चौदह बरस बाद ही इससे आग लगा दी गयी थी बरतानिया ने अठारह सौ सात में एक हुक्मनामा जारी किया जिसके मुताबिक वो ममालिको फ्रांस और बरतानिया के तनाजे में गैर जानब थे उन्हें फ्रांस या फ्रांस की नवबादियात में तजारत के लिए बर्तानिया ऐसी लाइसेंस लेने का पाबंद बनाया गया इसमें शर्त भी आयद की गयी की यूरोप में किसी मुल्क की बंदरगाह आरोप लंगर अंदाज होने ऐसी पहले अमरीकी तजारती जहाज़ों को पहले बरतानिया की बंदरगाहों आरोप रुकना होगा बरतानिया की रॉयल नेवी ने अमरीका के कई तजारती बेड़े जब्त करके अमले को भी कैद किया बरतानिया और फ्रांस के बनाए गए तजारती जवाब की वजह ऐसी अमरीका की तजारत को नुकसान पहुँचने लगा तीन ऐसी चार बरस तक अमरीका इन दोनों ममालिक के साथ मसाइल हल करने की कोशिश करता रहा लेकिन इस दौरान अमेरिका के तजारती जहाज़ों की जब्ती और माहिगीरों को कैद करने का सिलसिला भी जारी रहा अठारह तक बरतानिया ने अमरीका के पाँच हजार और ताजरों को हिरासत में ले लिया था बरतानिया की इन तजारती पॉिसियों ऐसी छुटकारा हासिल करने के लिए अमरीका ने कैनेडा आरोप कब्जा करके शुमाली अमरीका में इसका असर रसूख महदूद करने का फैसला किया कैनेडा उस वक्त बरतानिया की नौबादियात में शामिल था और फिर अमेरिका ने 17 जून 1812 को बरतानिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया दोनों मुल्कों के दरमियान ये जंग 1815 तक जारी रही अगस्त अठारह में बरतानवी फौज अमरीका के दारुल हुकूमत के नजदीक रियासत मैरीलैंड और वर्जीनिया के मगरबी साहिलों ऐसी मुलहक जिसापी खलीज में पहुँच गयी और वॉशिंगटन डी की जानब पेश कदमी शुरू कर दी इस दौर में अमरीका का दारुल हुकूमत एक छोटा सा गाँव था जो शहर बनने की जानब ग था फ्लाडेल्फा ऐसी हुकूमत यहाँ मुंतकिल हुए सिर्फ चौदह बरस ही हुए थे शहर की आबादी आठ हजार ऐसी ज्यादा नहीं थी जिनमें एक बड़ी तादाद गुलामों की भी थी जंग में बरतानिया के लिए वॉशिंगटन डी सी की कोई स्ट्रेटेजिक अहमियत नहीं थी लेकिन बरतानवी बहरिया ने अमरीकियों को सबक सिखाने के लिए ये इकदाम किया था चौबीस अगस्त को जब बरतानवी फौज दारुल हुकूमत पहुँची तो नब्बे फीसद आबादी शहर छोड़ चुकी थी बरतानवी फौजियों ने कैपिटल हिल पहुँचने के बाद अवानी नुमाइंदेगान की इमारत के अलावा सरकारी इदारों और सदारती महल आरोप धावा बोल दिया बरतानवी फौज की दारुल हुकूमत की जाने पेश कदमी की तलात मुसलसल मिल रही थी जिसके बाद सदर मेडिसन बाईस अगस्त को ही फौजी जर्नैलों के हमरा महाज के दौरे आरोपिंगन ऐसी रवाना हो गए थे बरतानवी फौजी जब चौबीस अगस्त अठारह सौ चौदह को व्हाइट हाउस में दाखिल हुए तो अमेरिकी सदर की रहायश गाह में कोई मौजूद नहीं था बरतानवी फौजियों ने वहाँ खाने पीने के सामान की दावत उड़ाई और इमारत को आग लगाने ऐसी कबल कीमती सामान भी लूट लिया बरतानवी फौजी सिर्फ छब्बीस घंटों तक वॉशिंगटन में रहे बरतानिया और अमरीका की जंग सितम्बर अठारह में बेल्जियम के शहर गैनेट में होने वाले एक महादे के साथ खत्म हुए अब तक के लिए इतना ही मजदूर इसी तरह की मालूम हासिल करने के लिए डेली जंग की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना